जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जो भी भाई आर्मी पुलिस या फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एसएससी जीडी की अप्रोक्सीमेट 80,000 पदों पे वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन की मिनिमम योग्यता क्या रहेगी, फिजिकल में हाइट चेस्ट वेट कितना होना चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी, फीस कितनी रहेगी, रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन से सिलेबस आएंगे और पास होने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, दौड़ कितनी होगी, कितने टाइम में पूरी करनी होगी, मेडिकल कैसे होगा और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इस वैकेंसी में मिनिमम योग्यता की, तो जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास, मतलब कोई भी बंदा जिसने 10वीं पास कर ली है वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। अब बात करें परसेंटेज की, तो दोस्तों अभी फिलहाल इसमें कोई भी परसेंटेज का मेंशन नहीं है कि इतने परसेंट होने चाहिए, मतलब अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एज लिमिट। काफ़ी सारे लड़कों को एज में कन्फ्यूजन होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज में क्या रिलैक्सेशन रहेगी और एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या क्या एज रहेगी। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मिनिमम एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट जैसा इसमें 18 मेंशन है यानी 18 साल, चाहे आप ओबीसी हो एससी एसटी या जनरल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। मिनिमम एज में कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। बात करें मैक्सिमम एज में, तो दोस्तों मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन है जनरल कैटेगरी के, वही 23 ईयर्स तक की एज का पर्सन इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है, मतलब 18 से 23 जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की छूट दी गई है, मतलब 18 और 23 प्लस 3 26 साल की एज ग्रुप तक का पर्सन इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। अब बात करें दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी में, तो एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल की छूट दी गई है, तो 23 और 5 अगर आप जोड़ लीजिए 28 साल तक की एज ग्रुप का बंदा इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों ये थी एज लिमिट के बारे में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो आ जाता है फिजिकल मेजरमेंट, मतलब आप अगर रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो और अगर आप फिजिकल में आपके पास जैसे मिनिमम चेस्ट वेट और हाइट क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हो तो आपके फिजिकल में जो मेहनत करी वो बेकार हो जाती है, तो ये आपको जानना पहले से ज़रूरी है। दोस्तों इस वैकेंसी में बात करें हाइट की, तो इसमें 170 मीटर हाइट होनी चाहिए, ये एक नॉर्मल स्टेट के लिए हाइट है। तो मिनिमम 170 हाइट से अगर आपकी कम है, चाहे आप किसी भी एज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ आपको छूट नहीं मिलेगी, आप आउट हो सकते हो। तो इसीलिए मेक श्योर आप पहले नोटिफिकेशन रीड आउट कर ले, आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट आप ये मिनिमम जैसे हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप उसे पूरी करें। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट में जो मिनिमम हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर, यानी 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट नेसेसरी, आप नाप लीजिए, उससे कम है तो आप मेहनत भी करेंगे तो आगे जाके आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बात करें चेस्ट की, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट का मापदंड जो रहेगा वो है मिनिमम 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल रहने पे आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करें फुलाव, मतलब फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका चेस्ट कम है तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चेस्ट बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज है। अगर आपके चेस्ट कम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बता दूंगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वेट के लिए, तो वेट के लिए अभी स्पेशली इसमें कोई अलग से मेंशन नहीं किया है, मतलब आपकी हाइट के अप्रोक्सीमेट आप इसमें वेट होना चाहिए, और वेट भी अगर आपका कम है तो बढ़ जाएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आप इस फिजिकल में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं और एट दी एंड वो फिजिकल में जाके डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके जो फिजिकल में दौड़ कितनी होगी, क्या आप उस दौड़ को पूरी कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए दौड़ निर्धारित है वो है 5 किलोमीटर, मतलब आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। अब बात करें 5 किलोमीटर दौड़ के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट का टाइम है, वो सभी कैटेगरी के लिए इक्वल रहेगा, तो आपको 24 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करनी होगी। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो जो दौड़ की फीमेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर की ही दौड़ करनी है और उनका 8.5 मिनट का टाइम रहेगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में दौड़ आसानी से हो जाएगी। इसके लिए बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपका स्टेमिना इंप्रूव करना होगा। दौड़ के लिए अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले आपका रिटन एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि रनिंग के लिए
आपको थोड़ा टाइम मिलेगा उसमें आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको डाइट जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके, आपको ब्रीथिंग यानी सांस पे कंट्रोल कैसा करना है, वो सारे टिप्स, इसके साथ ही फिजिकल से रिलेटेड सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपके लिए दौड़ करना आसान हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्जाम। इस वैकेंसी में सबसे पहले जो होता है वो होता है एग्जाम, और अगर आप एग्जाम पास करते हैं तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। तो दोस्तों एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस हैं होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कितने मार्क्स होंगे, कितने नंबर आपको लाने हैं, तो सबसे पहले बात करूं दोस्तों, यह एग्जाम 100 नंबर का होगा। इसमें 25-25 नंबर की 4 कैटेगरी रहेगी, मतलब 25 की है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से टाइप जिसमें हमारी मानसिक योग्यता चेक की जाती है उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो है GK GS, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। 25 नंबर 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और तीसरा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मैथ्स, मैथ्स के भी 25 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 25 सवाल आएंगे। और चौथा रहेगा जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश के सवाल आएंगे, मतलब ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात करें आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो दोस्तों मैं ये आपको पिछले सालों की मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम इतने नंबर लाने हैं तभी आप इसमें आगे नेक्स्ट लेवल पे क्वालिफाई कर पाओगे। बिकॉज पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो इसकी मेरिट स्टेट वाइज हर स्टेट में लगभग ज़्यादा रहती है। तो अब बात करें दोस्तों कि नॉर्मल नॉर्मल आपको मार्क्स जो लाने हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो दोस्तों उनको 78 to 80, मतलब आपको लगभग 78 से 80 नंबर के आसपास आपको नंबर लाने होंगे, तभी आप इसमें अच्छी तरह से स्ट्रोंग हो जाओगे कि और आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो आपको मिनिमम 78 to 80 मार्क्स लाने हैं। बात करें वहीं SC ST की, दोस्तों OBC की और जनरल की इक्वली रहती है, तो ये मैंने जो बताई है जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। वहीं बात करें SC और SC ST कैटेगरी की, तो दोस्तों अगर SC ST कैटेगरी का कोई बंदा है तो उनको 70 से 75 नंबर के बीच में मार्क्स लाने हैं, तो वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एग्जाम के बारे में। अब बात करें दोस्तों इसमें मेरिट कैसे बनेगी, तो जो भी बंदा रिटर्न एग्जाम पास कर लेता है इस वैकेंसी में, जितने भी पोस्ट है उसके लगभग 8 से 10 गुना कैंडिडेट यहाँ रिटर्न में पास किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जैसे आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, हाइट चेस्ट वेट उनमें कुछ आउट हो जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दौड़ हो गया तो दौड़ में कुछ आउट हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है और फिर आपकी फाइनल मेरिट आती है। तो फाइनल मेरिट ऐसा नहीं है कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया और दौड़ क्लियर कर ली इसका मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो, आपका फाइनल मेरिट में भी सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जैसे ही एग्जाम आता है मैं एग्जाम सिलेबस में स्पेशल क्या क्या टॉपिक रहेंगे उनसे रिलेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, और फिजिकल की डेट आने पे फिजिकल से रिलेटेड सारे टिप्स जिससे आपकी रनिंग हाइट चेस्ट वेट में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आप क्लियर किस तरह करना है वो। इसके बाद नेक्स्ट मेडिकल, मेडिकल में शरीर के किन किन अंगों की जांच होती है, आपके अगर शरीर में कोई भी अंग डिफेक्ट है या आपको लग रहा है इस कारण आप मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल भी एक एग्जामिनेशन है, उसमें भी अगर आप किसी चीज में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आउट हो जाओगे, तो आपको मेडिकल भी क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेडिकल से रिलेटेड भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रहा है, उसके बावजूद अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको जिस भी चीज पे आपको डाउट है तो वो आप मुझे लिख दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप चाहते हैं कि आगे इसी तरह के वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिलते रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी बंदा इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर रहा है उन तक भी ये वीडियो एटलीस्ट जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।